टी20 वर्ल्ड कप 2022 को लेकर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया तो कप की रवाना हो चुकी है। वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला भारतीय टीम का 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन उससे पहले भारत ने वार्म अप मुकाबले भी खेलने हैं। जी हां, ऑफिशियल वार्म अप मुकाबले से पहले दो ऐसे मुकाबले जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाएंगे, जिसमें से एक मुकाबला खेला जा चुका है। इंडिया को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने कांटे की टक्कर दी, महज 10, 12 या 15 रन के अंतर से वो मुकाबला इंडिया जीत पाया है। लेकिन दूसरे मुकाबले के लिए टीम इंडिया जो है वो तैयार है। 13 अक्टूबर को ये मुकाबला खेला जाएगा। अब ये मुकाबला आप कब, कहां, कैसे देख सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग होगी कहां पर, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही, और बताएंगे इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 भी क्या रहने वाली है, क्योंकि टीम इंडिया की ये प्लेइंग 11 ही डिसाइड कर रही है वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11। तो आइए आपको बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं, ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले तो आइए प्लेइंग 11 के बारे में ही बात करते हैं, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वार्म अप मुकाबले में टीम इंडिया की कुछ इस अंदाज में प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है। जहां पहले अगर ओपनिंग बैटल की बात करें तो फिर रोहित शर्मा आगाज करेंगे और उनके साथ केएल राहुल ही नजर आने वाले। तीसरे पायदान पर विराट कोहली, जो पहले वार्म अप मैच में नहीं खेले लेकिन इस वार्म अप मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। चौथे पायदान पर स्काई मिस्टर 360 डिग्री। पांचवे पायदान पर आपको देखने को मिलेंगे दीपक हुड्डा, क्योंकि हो सकता है कि हार्दिक पांड्या अगर पहला मैच खेले हैं तो फिर यहां दीपक हुड्डा को मौका मिले। और छठवे पायदान पर आप दिनेश कार्तिक को देख सकते हैं या फिर ऋषभ पंत, इन दोनों में से किसी एक को मौका मिल जाएगा। सातवें पायदान पर अक्षर पटेल का खेलना तय माना जा रहा है। और गेंदबाजी लाइनअप में यहां पर अगर बात करें तो फिर रवि अश्विन को मौका दिया जाएगा और उनके साथ में मौका दिया जाएगा हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह और कहीं न कहीं भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी लाइनअप में नजर आएंगे। घुमावरकर अगर देखा जाए तो फिर आराम दिया जा सकता है यूजी को और हार्दिक पांड्या को। लेकिन अब आइए आपको बताते हैं इस मुकाबले के लिए क्या रहेगी टाइम टेबल और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग आप कहां पर देख सकते हैं। तो वैसे हम आपको बता दें कि इंडियन टाइम स्टैंडर्ड के अनुसार ये मुकाबला 11 बजे सुबह शुरू हो जाएगा 13 अक्टूबर को। जी हाँ, 11 बजे ये मुकाबला आपको शुरू होगा देखने को मिलेगा। लेकिन ये मुकाबला आप कहाँ देख सकते हैं, तो इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट है नहीं कि आप वहां पर देख सकते हैं, बल्कि इसकी कोई लाइव स्ट्रीमिंग हो ही नहीं रही है। अगर होती है तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, बाकी कोई तरीका है नहीं क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग होती ही नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये मुकाबला टीम इंडिया एक बार फिर जीत पाएंगी या फिर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में होने चाहिए बड़े बदलाव फॉर द वर्ल्ड कप, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।